हेलो दोस्तों, कल कोलकाता की रेस है। 3 सितंबर 2024, टोटल 6 रेसेस हैं और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो इसी के लिए वीडियो नहीं बना रहा था। अब कंटिन्यू करेंगे। रेसेस अच्छी और चल रही हैं, आई होप अच्छी चले। कल का कार्ड इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, सेफ खेलना। यहाँ दो घोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, जीतने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कल के कोलकाता की रेस की। 6 रेसेस हैं। फर्स्ट रेस द सर अली हैंडीकैप 1800 मीटर की रेस है, क्लास 5 की, 2:15 पर। 6 घोड़े हैं, 1-2 की बैट है। दो घोड़े पसंद हैं, एक तो 1800 मीटर है, बहुत सारे कम घोड़े जीते हैं। दो एक नंबर गया है 2000 मीटर लेकिन जीता नहीं है। दो नंबर 1600 मीटर जीता है। बाकी 2000 मीटर कोई जीता नहीं है, तो देखते हैं। मेरी फर्स्ट चॉइस है हॉर्स नंबर 3 जस्ट डैश। पेडिग्री अच्छी है, पेडिग्री सजेस्टेबल है कि 2000 मीटर जाएगा। और लास्ट टाइम जॉकी ने मेंशन किया है कि घोड़ा मिडिल स्टेज में घोड़ा रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया था, तो पीछे से आता है। आई थिंक इस फील्ड में जीतना चाहिए। देखते हैं क्या भाव खुलता है। और क्लास डाउन हो रहा है, ट्रैक भी अच्छा है, काम अच्छा है। तो फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 3 जस्ट डैश, जो कि S/4 इन प्लेस। वो दूसरा घोड़ा पसंद है हॉर्स नंबर 5 टाइगर ब्लड, जो कि अरमान खान, लेकिन स्टील शूज में है, ये कंसर्न है। लेकिन काम बहुत अच्छा है, 2000 मीटर गया है, एक बार दोनों बार थर्ड लगा है। देखते हैं। लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस है हॉर्स नंबर 3 जस्ट डैश, जो कि S/4 इन प्लेस। 1-2 में तो बिल्कुल होना चाहिए घोड़ा। बात करते हैं सेकेंड रेस द ब्राउन वॉल्फ हैंडीकैप 2000 मीटर की रेस है, क्लास 3 की, 2:45 को। 6 घोड़े हैं, 3 नंबर फेवरेट है नोमिट सी, यश नार्डू। लास्ट टर्न इम्प्रेसिव था। देखते हैं क्या भाव खुलता है। जीत सकता है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। मेरी जो चॉइस है हॉर्स नंबर 2 दुबई स्टार, जो कि आर वैभव 4 ईच वे। देखो 2000 मीटर क्लास 3 जीता हुआ है, सेम जॉकी रिटर्न रिपीट कर रहा है। और लास्ट टाइम 1400 मीटर में 4.5 लेंथ पीछे था ट्रू फेथ के पीछे। और 2000 मीटर ये घोड़ा जीता हुआ है, मंडेला के साथ फेवरेट था, मंडेला भी यही है। अभी हैंडीकेपिंग चेंज हो रही है, लेकिन जॉकी थोड़ा वीक बैठा है, लेकिन फिर भी लास्ट टर्न तो बहुत इंप्रेसिव था, आई कैचिंग था। ईचवे सेकेंड रेस हॉर्स नंबर 2 दुबई स्टार, जो कि आर वैभव 4 इन प्लेस। अब बात करते हैं थर्ड रेस द गोल्डन आयलर हैंडीकैप 1200 मीटर की रेस है, क्लास 5 की, 3:15 पर। 10 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 7 नेचुरली एपिक, जो कि जे चरुल 4 इन प्लेस। इसका लास्ट टर्न इग्नोर करो, ब्लिंकर ऑन कर रहे हैं, ट्रैक अच्छा है, प्लेस मिले तो सेफ प्लेस, जीतना भी चाहिए। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 7 नेचुरली एपिक, जो कि जे चरल 4 इन प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस द सफारी हैंडीकैप 1100 मीटर की रेस है, 3:45 को। 12 घोड़े हैं। सिंगली घोड़ा पसंद है हॉर्स नंबर 11 सिरानाइका, जो कि एंटोनी राजस 4 विन। जीतना चाहिए, मुंबई से आया था और फर्स्ट टर्न में चिल्ली लीड के पीछे गुड सेकंड लगा है। पी सूर्या था, उसके बाद धानू ने एक बार चलाया, फेवरेट था, वहाँ पर टेस्ट ने बीट किया था। लास्ट टाइम पी सूर्या ने फिर चलाया था, लेकिन अभी इक्विपमेंट चेंज हो रही है और टॉप जॉकी एंटोनी राज बैठा है। जीतना चाहिए फील्ड के हिसाब से, हैंडीकेपिंग के हिसाब से, ट्रैक भी अच्छा है। तो फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 11 सिरेनाइका, जो कि एंटोनी राज 4 इन। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस द 10 और शोक कप 1600 मीटर की रेस है, क्लास 1 की, 8 घोड़े हैं।
देखो सिंगली घोड़ा पसंद है, हॉर्स नंबर 8 व्हाइट रोजेस जो कि नीरज रावल फॉर विन। देखो स्टॉर्मी ओशन फेवरेट दिखा रहा है, स्टॉर्मी ओशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे मुस्तकीम आलम, और एक तो इसका डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है 1600 मीटर की। अगर आप 2000 मीटर देखोगे तो 4.5 लेंथ तो से जीता था, लेकिन 1600 मीटर में घोड़े ने फाइट करना पड़ा था, तो डिस्टेंस शॉर्ट है इसको 1600 मीटर। मुझे नहीं लगता 2024 होता तो अलग होता। और मुस्तकीम आलम बैठा है, इसको हार्ट राइडर चाहिए क्योंकि मूडी घोड़ा है, मूड में होगा तो घोड़ा आएगा, नहीं तो गया काम से। और फर्स्ट टाइम क्लास वन भी भाग रहा है। 8 नंबर प्रॉपर 1600 मीटर का घोड़ा है, 1400 1600 एक बार क्लास वन में भागा है, फेवरेट नहीं सेकंड फेवरेट था डिस्ट्रॉयर के साथ। डिस्ट्रॉयर को नहीं मार सकता था उस दिन, लेकिन उस दिन भी रन अच्छा था। नीरज रावल से नीरज रावल फिर रिटेन कर रहा है। देखो मुस्तकीम आलम नीरज रावल में बहुत डिफरेंस है, और बेसिकली ये टेनोशो कब है अगर आपको याद हो तो टेनोशो नेल दरासा के पास था, तो डेफिनेटली ट्राई करेगा। सी लाइन फ्रंट भागा तो 8 नंबर पीछे से आके मार सकता है स्टॉर्मी ओशन को। मोक में बीट किया है, लेकिन मोक रेस होती है और रेस रेस होती है, और कहाँ मुस्तकीम आलम और कहाँ नीरज रावल, डेफिनेटली जीतना चाहिए। फोर फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 8 व्हाइट रोजेस जो कि नीरज रावल फॉर विन, ये मेरा डे बेस्ट है। रेस 7 और 8 में होनी चाहिए, लेकिन मेरी सिंगली चॉइस है हॉर्स नंबर 8 व्हाइट रोजेस। अब बात करते हैं 6th रेस लास्ट रेस द आरदिराना हैंडीकैप, 1400 मीटर रेस है क्लास 4 की। 7 घोड़े हैं, वन हॉर्स रेस होना चाहिए, हॉर्स नंबर 4 स्नो पियसर यश नारडू। ये 2 घोड़े 5th रेस 8 नंबर व्हाइट रोजेस और ये 4 नंबर स्नो पियसर, ये 2 घोड़े कल हारने नहीं चाहिए। सॉलिड फील्ड देख के आया है, मतलब फील्ड में है नहीं कोई मारने वाला, एटलीस्ट इवन मनी तक मिले तो बेस्ट होगा। 6th रेस हॉर्स नंबर 4 स्नो पियसर जो कि यश नारडू फॉर विन। देखो मोक दे के ला रहे हैं, और क्या सॉलिड फील्ड देखी है घोड़े ने, सिंथेसिस गोल्डन पिक सिल्वर मोगट जमारी, इस फील्ड में कोई है नहीं इसको मारने वाला, तो मेरे हिसाब से डे बेस्ट होने चाहिए। 5th रेस हॉर्स नंबर 8 व्हाइट रोजेस और 6th रेस हॉर्स नंबर 4 स्नो पियसर, ये 2 जोड़ घोड़े अच्छे लग रहे हैं पूरे दिन में, ये 2 घोड़े सेफ बेट होने चाहिए, तो देख कर खेलिए सेफ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं मैसूर की रेस में, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।